तो बच्चों, हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं, क्योंकि आप लोग इंडिविजुअल मैसेज कर रहे हो बार बार, इसलिए मैं आपको क्लास में ही बता देता हूँ पूरा कि आपको करना क्या है बेसिकली। तो सभी बच्चे हमारी बात पे ध्यान दें। पहले जो आपका एग्जाम है, दिस इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको CBSE कंडक्ट कराती है। तो बच्चों, बेसिकली उस एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक एग्जाम है आपका टर्म वन और एक टर्म टू। इनके नोटिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी डाल रखे हैं, आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप अपने नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे बच्चों, आपका जो टर्म वन एग्जाम है, ये कब होगा? ये टर्म वन एग्जाम होगा आपका नवंबर और दिसंबर 2021 में। क्लियर हो गई बात? ये कितने मिनट्स का होगा? ये 90 मिनट्स का होगा, मतलब 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, इसके अलावा इस पेपर में आएगा क्या? इसमें आएंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अलावा स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू यानी कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। आपको पता है ना असर्शन रीजन टाइप किस तरह के होते हैं? उसमें एक स्टेटमेंट वन होता है, स्टेटमेंट टू होता है। स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू सही है, और स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें असर्शन वन होता है। इस तरह से ये चार असर्शन बनाए जाते हैं और ये हर एग्जाम में कॉमन होते हैं। तो आप असर्शन के बारे में नहीं जानते तो उनको लर्न कर लीजिएगा। जैसे असर्शन नंबर टू आप तब टिक करते हैं कि स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। यस सर। तो बच्चों यहाँ पर केस बेस्ड एमसीक्यूज क्या है? तो केस बेस्ड स्टडीज एमसीक्यू होते हैं, उसमें आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और डायग्राम के बेसिस पे आपको जस्टिफाइड करना होगा उस क्वेश्चन को। वो डायग्राम जो होगा, बेसिकली जो क्वेश्चंस आने का पैटर्न है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का एक एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर देखा हो, यानी जो जस्ट अभी 2000 से पहले वाले साल में, यानी कि जो 2021 में पेपर होना था, अगर आप उसका सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देंगे केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स। यानी वो केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम्स आपके पास ज्यादातर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही आती है। उसमें आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उस डायग्राम के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। और डायग्राम वो रिलेटेड होगा आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी हो सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी हो सकता है, लाइक दैट होंगे सारे एमसीक्यू भी। तो इस तरह से आपका पेपर होगा। तो बच्चों मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टर्म वन आपका ऑफलाइन मोड में होगा, स्कूल में होगा, सोशल डिस्टेंसेस के साथ होगा। ये टर्म वन एग्जामिनेशन है, नवंबर दिसंबर में होगा, एमसीक्यू होगा, केस बेस मतलब टोटल उसमें एमसीक्यू ही मान के चलिए, क्योंकि चार में से एक सही जवाब होगा। और बच्चों जिस तरह से आप लोग जेई मेन्स का पेपर देते हैं, नीट का पेपर देते हैं, बिटसेट का पेपर देते हैं, तो जब आप पेपर देने जाते हैं तो कभी कभी आपको जब रिटन टेस्ट होता है जेई मेन्स का, तो आपको OMR शीट मिलती है। तो OMR शीट में आप मार्क करते हैं कि पहले का ABCD में से कोई एक मार्क कर देते हैं, फिर आप OMR शीट सबमिट कर देते हैं। उसी तरीके से ये OMR शीट जो होगी, ये CBSE के द्वारा दी जाएगी, और ये पूरा पेपर बोर्ड के द्वारा ही बन करके आएगा, और इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर ही होंगे। ठीक है, तो यानी ये पूरा पेपर बोर्ड की तरफ से ही कंडक्ट कराया जाएगा, स्कूल की तरफ से नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं टर्म टू की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। टर्म टू जो पेपर होगा बच्चों, उसको हम लोग ईयर एंड एग्जाम भी कहते हैं, और ईयर एंड जो आपका टर्म टू एग्जाम होगा वो आपका मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, क्लियर है? ये कितने मिनट्स का होगा? ये 2 आवर्स का होगा। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स का होगा। तो आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। और इस क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी जैसे मिक्स थ्योरी सब कुछ होगा इसमें। यानी कि जो टर्म वन पेपर है वो कुछ इजी है, लेकिन टर्म टू पेपर में सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा जैसे पूरा पेपर होता है, लेकिन वो पेपर 2 घंटे का होगा, ये भी याद रखिएगा। अब आपको बच्चों ये याद रखना है कि ये तो फिर बात की बातें हैं कि मान लीजिए मार्च अप्रैल में कोरोना वायरस काफी बढ़ जाता है, COVID-19 पैनडेमिक ज्यादा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, तो जो टर्म टू का एग्जाम होगा वो फिर किस तरह से कराया जाएगा? वो टर्म वन की तरह कराया जाएगा, यानी फिर वो 90 मिनट्स का ही होगा और वो एमसीक्यू पेपर ही बन जाएगा ऑटोमेटिक, अगर कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं उस समय, तब की बात है। लेकिन ऐसा होगा नहीं हर बार, इसलिए आप ये मान के चलिए टर्म टू का जैसा पेपर है वो वैसा ही रहेगा। अब आप लोग बात करते हैं कि टर्म वन और टर्म टू के एग्जाम्स में क्या आने वाला है। बाकी आप जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने नोटिफिकेशन से पढ़ भी सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर रखा है। अब हम लोग जानते हैं इसका सिलेबस क्या है।
तो बच्चे उसके सिलेबस के लिए आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लगाया गया है क्लास 12 मैथमेटिक्स टर्म वन सिलेबस। अगर आप टर्म वन सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों अपने आपका कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि मेरे को ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप अपना कैमरा चालू करिए, आपका खुद ही का ही सिलेबस छूट रहा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ओके बच्चों, तो टर्म वन, तो टर्म वन में बच्चों क्या आ रहा है, टर्म वन में आपके आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है बच्चों, एलजेब्रा का मतलब हुआ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, रिलेशन फंक्शन का मतलब उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, कैलकुलस का मतलब बच्चों क्या हुआ, कैलकुलस का मतलब यहाँ पर हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि जो टर्म वन है, आप ये मान के चलिए टर्म वन में आपकी एनसीईआरटी पार्ट वन पूरी तरह से लगभग होगी, ऐसा मान के चलिए। हाँ, कैलकुलस में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कैलकुलस का यहाँ वाले टर्म वन में मतलब है कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितनी कैलकुलस है वो सब होगी, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, सब कुछ होगा। यानी कि ओवरऑल आप शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कि टर्म वन में पार्ट वन एनसीईआरटी पूरी है लगभग, ठीक है। अब आपको देखना है कि उसमें रिड्यूस सिलेबस क्या है, तो ऑलरेडी मैं नोटिफिकेशन आपको शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिए कि रिलेशन एंड फंक्शन में आपको क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको अपने बोर्ड के हिसाब से क्या तैयार करना होगा, मैट्रिसेस में क्या प्रिपेयर करना होगा, इस तरह से सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास प्रिपेयर है, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को मेरी आवाज पूरी तरीके से आ रही है और वो पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। तो बच्चों कैलकुलस में आप देख सकते हैं, कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया है, चेन रूल बताया है, मैंने आपको इम्प्लिसिट यानी कुछ डिफिकल्ट फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन बताया है। तो अभी तो हम लोग का प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, आप लोग को पता है ना प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन ही चल रहा है। तो वो सारे डिफरेंशिएशन अभी हम लोग और भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी एनसीईआरटी की पूरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों ये सब है, तो आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का पेपर है, वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता देता हूँ। बच्चों अगर ये कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन नहीं होती तो एंड ऑफ द ईयर में आपका जो पेपर होता है मैथ्स का वो 80 मार्क्स का होता है प्लस 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। लेकिन अब इस पेपर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टर्म वन और टर्म टू में। तो टर्म वन में जो पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा 40 मार्क्स का, यानी कि जो 80 मार्क्स का एंड ऑफ द ईयर एग्जाम में पेपर होता है नॉर्मल कंडीशन में, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा, 40 टर्म वन में और 40 टर्म टू में। और जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है उसको भी ब्रेक कर दिया जाएगा, यानी कि टर्म वन में 10 मार्क्स का और टर्म टू में भी 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका मैथ्स का पेपर 50 मार्क्स का होगा, किसमें, टर्म वन में, जिसमें 40 होंगे आपके एमसीक्यू वाले और 10 होगा आपका इंटरनल असेसमेंट, और 40 आपका जो पेपर होगा वो बोर्ड की तरफ से बन के आएगा 40 मार्क्स का, इस तरह से आपको याद रखना है। और बच्चों ये जो इंटरनल असेसमेंट है 10 नंबर, उसमें ये ऐसा बोर्ड ने कहा है कि जो उसमें 5 नंबर होंगे वो आपके जो स्कूल्स में पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो उस पर भी डिपेंड करेंगे। तो स्कूल के जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं उसको अगर आप ढंग से देते हैं तो आपके नंबर वही वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बच्चों टर्म टू का भी मैंने आपको जस्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए बच्चों टर्म टू में कैलकुलस फिर से लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी कैलकुलस है, ये इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट जो आपका होता है वहां से, जो सेकेंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी है वहां से आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये वो सब मिला करके, वेक्टर, 3D, सब कुछ ये आपका टर्म टू में होगा। और टर्म टू आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, उसमें सारी चीजें होंगी, क्या रिड्यूस सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है, पढ़ते जाइए और मार्क करते चले जाइए, उससे आपको पूरा आइडिया रहेगा कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो आई थिंक मैंने बच्चों बहुत देर तक आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आपको ये काम करना होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्लास की तरफ कंटिन्यू करते हैं, क्लास की तरफ कंटिन्यू करते हैं और वापस पहुंचते हैं जहां हम लोग चल लेते हैं अपनी क्लास की तरफ। सर एमसीक्यू कितने आएंगे? बेटा बहुत देर तक एक्सप्लेन कर दिया, एमसीक्यू कितने आएंगे? आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 की तरफ। और किस बच्चे ने एक डाउट पूछा था, तो वो डाउट एक्सरसाइज 5.2 का है। तो बेटा जो 5.2 एक्सरसाइज का आप आखिरी में डाउट्स पूछ रहे हैं आखिरी वाले क्वेश्चंस का,
वो जो डाउट है वो कंटिन्यूटी का है, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करके अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। द टॉपिक इज डिफरेंट विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो मैं जब वो आपको पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। तो अब हम लोग वापस कंटिन्यूएशन लेते हैं और जहां पढ़ रहे थे उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन अपने सिलेबस को लेकर के, तो याद रखिएगा टर्म वन में जो 40 मार्क्स के हैं वो एमसीक्यू होंगे, ये बात याद रखिएगा। 40 मार्क्स यानी कि एक एमसीक्यू का एक नंबर होगा, ऐसा मत समझिए कि एक एमसीक्यू का चार नंबर होगा, ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चंस होंगे सर टोटल, ठीक है। बाकी आप अपने नोटिफिकेशंस में पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशंस में सब लिखा हुआ है और मैंने इस बात को चार चार बार एक्सप्लेन भी कर दिया है। 40 क्वेश्चन, 40 फाइल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, 40, अरे बोल तो दिया भाई, 40 एमसीक्यू टर्म वन, 40 एमसीक्यू ईच कंटेनिंग ऑफ मार्क वन, ठीक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बोर्ड का कह रहा है। बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, डिफरेंशिएशन। बाकी आपके पास नोटिफिकेशन है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। आपको अभी उनका आइडिया नहीं है कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे और एग्जाम में आपसे वो स्किप भी हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे कि वो हुए क्यों नहीं। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में तो वैसे ही थोड़ा बहुत लिखा रहता है, लेकिन जितना लिखा रहता है वो बहुत ही काम का होता है, इसलिए आप याद रखिए। मैं अभी आपको जो क्वेश्चन कराना हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 17 अभी आपकी स्क्रीन पे कॉपी किया है। ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ अपने घर से यानी अपने किसी से सीख करके या कोचिंग से सीख करके नहीं जाएंगे तो आप स्कूल में भी नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। और मेरी बात ये भी याद रखिए, जो आपका बोर्ड का पैटर्न है वो पहले से टफ हो चुका है। ये जो 40 मार्क्स के आपको एमसीक्यू दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि आपके पास अगर इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट करना हो, तो एमसीक्यू में कन्वर्ट करने कैसे किया जाएगा, उसमें यहां तक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और यहां तक क्वेश्चन दे करके दे दिया जाएगा कि ए बी सी डी में कोई एक पार्ट सही है, और उसमें एक 2 लिखा होगा, एक 4 लिखा होगा, एक 5 लिखा होगा, एक 6 लिखा होगा। पहले क्या होता था, पहले यही क्वेश्चन जो होता था वो 4 मार्क्स का आता था, तो आप इसमें कुछ ना कुछ करके आते थे, dy by dx निकालते थे, d2y by dx square निकालते थे, कुछ ना कुछ निकालते थे ना, स्टेप मार्किंग में नंबर मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मामला बदल गया है। अब आपके पास ये क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता वो 1 नंबर में कन्वर्ट हो गया और वो भी बन गया एमसीक्यू, यानी कोई स्टेप मार्किंग नहीं। आपका सही हुआ तो सही और गलत हुआ तो एक ही बार में पूरा गलत, और आप जानते हैं तुक्के गलत होते ही, इसलिए आप धोखे में मत रहिए, आपका पेपर उल्टा टफ हो गया है, ठीक है। लेकिन जो लोग तुक्का लगाते हैं उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, तुक्के लगाने से तो कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत देर से कुछ बातें समझा रहा हूं, शायद कुछ बच्चे समझ गए होंगे। ओके, तो बच्चों यहां पर अब इस क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई आइडिया? देखिए क्वेश्चन कैसे करते हो, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर हमको आरडी शर्मा में मिल ही नहीं रहा है, कि आरडी शर्मा में डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यूटी है, उसको मिल नहीं रही है। तो बेटा आरडी शर्मा में बुक्स में जाके इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी जहां लिखा हो वहीं आपको मिल जाएगी। सर बोर्ड के लिए एनसीईआरटी है कि कोई रेफरेंस बुक देखनी पड़ेगी सर? बेटा ये सारी बातें आप हमसे बाद में डिस्कस करिएगा, क्योंकि हम ये काफी ज्यादा हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। y is equal to tan inverse x का whole square, अब हमको ये क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे? Let's start with the question. सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या दिखाई देता है, अमूमन बच्चा क्या करेगा स्कूल के एग्जाम में, वो कहेगा सर y1 और y2 क्या है? हाँ तो वो, अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, हाँ तो अमूमन बच्चा कैसे करेगा एग्जाम में, वो कहेगा सर y2 का मतलब होता है d2y by dx square, y1 का मतलब होता है dy1 by dx, मतलब y1 का मतलब होता है dy by dx,
और y2 का मतलब होता है d2y by dx square. और अगर आपके पास कोई y3 दे दे तो उसका मतलब होता है d3y by dx cube. मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मतलब होता है y1, y2 और y3 का. लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप डायरेक्टली बिना प्रैक्टिस किए, बिना कहीं पढ़े ऐसे ही चले गए, तो आप क्या सोचेंगे कि डिफरेंशिएशन तो हमें आता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, और आप फंस जाएंगे. क्योंकि आपके मन में आएगा कि पहले y दिया है, dy by dx निकाल लेते हैं, d2y by dx square निकाल लेते हैं, और उठा करके हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करके ये सॉल्व होकर के 2 आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन जब आप ऐसा करने बैठोगे तो आपको ऐसे स्टेप्स आपके सामने क्रिएट होने लगेंगे कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि स्टेप्स की सेटिंग कहाँ पे करें. आप बिना सॉल्व किए आखिरी में 2 लिख दोगे. आप कहोगे ये तो पता नहीं क्या है, 2 तो आना ही है, आखिरी में 2 लिख देते हैं, छोड़ दो नंबर मिल जाएंगे. लेकिन बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न एकदम डिफरेंट होता है, आप इसको समझिए. क्योंकि ऐसे 10 तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार मिलेगा. इवन अब तो कई तरह के एग्जाम्स में ये जनरेट भी हो रहा है. बाय द वे इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बच्चों अब आपको आदत डालनी होगी कि आप dy by dx को dy by dx न लिख करके y1 लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है. लेकिन आदत नहीं है तो आप dy by dx भी लिख सकते हैं. चलिए इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है. तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? चेन रूल से होगा. टू यू का डिफरेंशिएशन होगा 2u. और जिसको u माना था उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे. किसको माना है? tan इनवर्स x. tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x2. ठीक है. अब आप सोचोगे कि सर यहीं पे हम d2y / dx2 लगा दें? नहीं, यहाँ नहीं लगाना है. याद रखिए अगर आपका डिनोमिनेटर जनरेट हो जाए, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर जनरेट हो गया 1 + x2, तो आप क्या करिए, सीधा सीधा डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाइए. डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा उस तरफ कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. और dy / dx को जैसा मैंने बताया उसको y1 लिखने की आदत डाल दो, वरना आपके स्टेप्स बड़े होंगे, आपका खुद टाइम खराब होगा. उसके बाद बेटा ये लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये स्टेप को लिखने के बाद आपको कोशिश करनी होगी कि आप y को अपीयर करा ले जाओ. किसको अपीयर करा ले जाओ? y को. कहोगे सर y तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो हमने कहा अपीयर कराओ. कहोगे सर अपीयर कराने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग. क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग. तो स्क्वायरिंग कर दी. स्क्वायरिंग करते ही क्वेश्चन का खेल, यानी क्वेश्चन आपका फिनिश. तो ये देखो मैंने ये y लिख दिया इसको, अब तो क्वेश्चन फिनिश हो गया. कहोगे सर क्वेश्चन कैसे फिनिश हो? हमने कहा तुम ध्यान दो, अब दोनों तरफ तुम डिफरेंशिएट कर दो, आपको जो प्रूफ करना है वो डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा. जो प्रूफ करना है वो डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा, यानी ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा. ओके, कहो कैसे करोगे? कहोगे सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है तो बहुत आसान है, ये सर तो ये प्रोडक्ट रूल से होगा क्योंकि इसमें दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं. तो सर एक एक करके करते हैं. पहले 1 + x² का होल स्क्वायर है, इसको नहीं करते. ठीक है, y1 स्क्वायर का हो गया 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन हो गया y2 प्लस. ध्यान से देखिए y1 का डिफरेंट y1 स्क्वायर, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं y1 स्क्वायर के डिफरेंशिएशन? नो प्रॉब्लम है. तो मैं ऐसे समझा देता हूं कि ऐसे समझो dy / dx का होल स्क्वायर लिखा है. अगर तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो dy / dx को u मानोगे, तो u स्क्वायर का हो जाएगा 2u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी कि dy / dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा d2y / dx स्क्वायर. किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई बच्चा प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो सबको आता है. ओके बच्चों, तो हम यहां पे चेन रूल लगाते हैं. तो कैसे लगाया हमने? 1 + x² के होल स्क्वायर का नहीं किया, y1 स्क्वायर का कर दिया. अब हम क्या करेंगे? अब कहोगे सर आप y1 स्क्वायर का अब नहीं करेंगे, अब आप करेंगे 1 + x² के होल स्क्वायर का. तो 1 + x² को फिर से u मान लोगे, तो u स्क्वायर का हो जाएगा 2u, और जिसको u माना था उसका फिर से करोगे, यानी 1 + x² का, तो 1 का 0 x² का 2x = 4. y का डिफरेंशिएशन हो गया y1. समझ में आया ये स्टेप? कितने बच्चों को ये स्टेप नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ लीजिए. जैसे सिखा रहा हूँ
वैसे ही करना है, आप अपना कोई मेथड मत यूज करिएगा वरना चेक करने वाला टीचर समझ जाएगा। ओके क्या हुआ बेटा? इस वाले स्टेप में प्रॉब्लम बताओ बेटा कहाँ पर है, वही वाला हम एक्सप्लेन करें। कौन से टर्म में प्रॉब्लम है? डिफरेंशिएशन, ये तो पूरा डिफरेंशिएशन है, कौन सा डिफरेंशिएशन बताया? मतलब जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट टूल अभी तक नहीं आता है वो कृपया करके अपना फर्स्ट लेक्चर जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे और आपका चैप्टर आपका छूटता चला जाएगा। डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल होता है ये मैं कम से कम आज 10वीं बार लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे लगाया है। और बच्चों ये आपका फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा और ये सेकेंड फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा, आप इसको लगाइए तभी आप समझ पाएंगे। डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो फिर तो आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको पहला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा तब आप डिफरेंशिएशन सीख पाएंगे। ओके बच्चों तो जो कुछ करना था फोर वाई वन का एक बार बता दीजिए सर। ओके फोर वाई वन बेटा ये लिखा है फोर वाई, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फोर वाई को तो फोर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन लिखते हैं। यस सर ठीक है सर। ओके हो गया बच्चों फोर वाई का हमने फिर से बता दिया, फोर कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, y का डिफरेंशिएशन हो गया y1 तो ये हो गया 4y1। ओके किसी को और कोई स्टेप डिफरेंशिएशन नहीं करने आ रहा हो कोई वाला डिफरेंशिएशन बता दो भाई, अभी भी कोई डिफरेंशिएशन dy by dx का होल स्क्वायर, ये मैंने अलग से ऊपर स्टार बना के लिखाई है, u स्क्वायर का लिख दो 2u और जिसको u माना था उसका फिर से करो। अगेन मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो आपके लिए ये लेक्चर एकदम बेकार हो जाएगा क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपको लगातार होमवर्क में एक्सरसाइज भेजी है ताकि आप उन एक्सरसाइज को लगाइए, चेन रूल सीखिए। ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया ना, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 2y1 कॉमन लेकर के क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपको जो प्रूफ करना है वो हट हो जाएगा डायरेक्टली। पूरी क्वेश्चन से 2y1 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो फाइनली हो गया है, ठीक है 2y1x1+x2=2। क्वेश्चन इज फिनिश, देखो जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। और आप कहोगे सर ये तो बहुत ही कम स्टेप्स में आपने प्रूफ कर दिया, और ऐसे ही आपको भी सीखना पड़ेगा तभी आप जल्दी से जो प्रूफ करना है उसको अपीयर करा पाएंगे, अपना एमसीक्यू क्वेश्चन कर पाएंगे। दिस इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके ओके तो एक बार स्टार्टिंग से वापस दिखा दो, स्टार्टिंग से वापस के लिए हम दूसरे क्वेश्चन का नहीं यही क्वेश्चन का स्टार्टिंग का, इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग के लिए भी हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, परेशान ना हो भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ना आए तो बिल्कुल आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है, ये मैंने कई बार रिपीट किया है, आप उसको छोड़ दीजिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अपनी तरफ से भी काफी करा दूंगा। बच्चों आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से आ गया, मैंने मिसलेनियस का सीधा क्वेश्चन उठा लिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन, मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है अब लिखना नहीं, मेरी तरफ देखो आराम से, पहले डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो आप किसी भी बुक से रेफरेंस बुक से कुछ भी उठाइए डिफरेंशिएशन सीखिए, डिफरेंशिएशन क्लास 11th का पार्ट है। आप अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे तो फिर आप आगे नहीं कर पाएंगे, आपसे सब छूटता जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल भी नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं कर पाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ रेंज मेजर भी नहीं कर पाएंगे, टेंजेंट कुछ भी नहीं कर सकते आप। ओके तो क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब वो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें जिनको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैं सारे स्टेप्स इसमें लिखूंगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करूंगा।
और इसके बाद मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा फिर मैं इसमें स्टेप्स कम करूंगा, पूरे नहीं लिखूंगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुके हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे करिए। ओके स्टार्ट करें, क्या करना है? यस राइट हैंड साइड आपको दिखाई दे रहा है पूरा, स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर u, e की पावर u का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर u, e की पावर u का डिफरेंशिएशन तो e की पावर u होगा ना? यस सर सेम u माना था, यस सर इसको u माना था, उसका फिर से करेंगे, उसका फिर यानी a cos inverse x का। और अगर आप कह रहे हो कि सर आप तो स्टेप मिस कर रहे हो, तो भैया मैं लिख देता हूं, चलो d by dx of a cos inverse x, ठीक, e की पावर a cos inverse x। रेफरेंस बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक काम कर लो, कोचिंग की तरफ से आपको वर्कबुक दी गई है, वर्कबुक लगाओ, वर्कबुक में पूरे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं। अरे यार सिर्फ एनसीईआरटी के ही डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग से क्वेश्चन लगा लो, उतना ही बहुत होता है, तुम लोग करते नहीं हो ना, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं आती है। ओके cos inverse x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। जिन बच्चों को नहीं पता मैं यहां लिख देता हूं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिनको नहीं पता ये उनके लिए है, ठीक है। ओके तुम कहोगे सर ये जो आपने डिफरेंशिएशन किया है तो आप इसको y1 लिख दीजिए, हमने y1 लिख दिया क्योंकि dy by dx को क्या लिखते हैं y1। ओके अब यहां पर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले डिनोमिनेटर को कहां ले जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन कुछ आपको इजी हो जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ये समझिए आपकी कॉपी में भूचाल आ जाएगा, मतलब आप इतना बड़ा क्वेश्चन रूल जो लगाएंगे ना उससे आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि करना क्या है। ओके माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स। सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने? मैंने कहा था कि आपको वाई को अपीयर कराना है। वाई क्या है? वाई क्या है? वो है ई की पावर ए कॉस इनवर्स। तो यहां पुट कर दो, ये देखो ये हो गया आपका y, क्या हो गया y। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए, क्या प्रूफ करना था? जो प्रूफ करना है वो ऊपर है, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज NCRT class 12th part 1 miscellaneous exercise 23। squaring both sides कर दो ताकि आपका अंडर रूट हट जाए, और squaring करने के बाद आप इसको differentiate कर दो, आपका question finish। minus का square करोगे तो plus हो जाएगा। संचित बेटा कैमरा खोल लो, तुम्हारा ही छूट रहा है यार, लोग खुद ही नहीं पढ़ रहे हो। चलो इसको differentiate करो, डिफरेंशिएट करो। मैं डिफरेंशिएशन का कोई भी स्टेप नहीं मिस करूंगा, इसलिए ध्यान से देखो कैसे लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। पहले y1 स्क्वायर का नहीं करते हैं, d by dx करते हैं 1 minus x स्क्वायर का, फिर हम 1 minus x स्क्वायर का नहीं करते हैं, d by dx करते हैं y1 स्क्वायर का, is equal to a स्क्वायर d by dx of y स्क्वायर। देखो मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं, कौशिक चेक करो मैंने सारे स्टेप्स अभी भी लिखे हुए हैं, ठीक। ओके y1 स्क्वायर ध्यान दो, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0 ये हो गया माइनस 2 एक्स, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? y1 को मान लो u, तो u स्क्वायर का हो जाएगा 2u, और जिसको u माना था उसका फिर से करो, यानी y1 का फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y2, क्या हो जाएगा? y2, y1 क्या है? dy by dx, d
डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम फिर से करते हैं तो क्या बन जाता है, डी टू वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं वाई टू। ओके, तो बच्चों वाई स्क्वायर का फिर से आ गया, तो वाई स्क्वायर का लिखोगे टू वाई, देखो वाई स्क्वायर का हम फिर से कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का टू वाई और वाई का डिफरेंशिएशन वाई वन, वाई स्क्वायर का टू वाई। और बच्चों अगर ये समझते नहीं हो यार मैं, तो फिर से चेन रूल बता देता हूँ, एक मिनट रुको भाई। देखो जैसे d बाई डी एक्स लिखा है वाई स्क्वायर, सर आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किया डिफरेंशिएट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किया, कहाँ नहीं किया, उसको करना है वो सर, उसको नहीं करना था, वो बाहर था ना, ये लास्ट स्टेप। अरे बेटा तुम ये वाले स्टेप पूछोगे तो तब तो मेरा पढ़ाने में ही बैंड बच जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, इसमें तो पूरी राम कथा हो गई। इधर देखो बच्चों, ये बेटा ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे भैया, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का अभी तक पता ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं पिछली तीन क्लासेस से। ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, मैंने दोबारा एरो लगा दिए है, और ये मैंने आज की क्लास में भी बताया है कि प्रोडक्ट रूल जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो हम कैसे लगाते हैं डिफरेंशिएशन उसमें। और वैसे यहाँ पे भी क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट देखो कैसे लगाया, क्यों दीपेंद्र समझ में आया? यस सर। आपने वो होल स्क्वायर करने को क्यों कहा था, होल स्क्वायर मतलब जब स्क्वायर बोथ साइड किया था वो कैसे सोचा था बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट था ना, स्क्वायर रूट को हटा दिया हमने। अच्छा ठीक है, कभी भी स्क्वायर रूट को हटाना पड़ता, हटाने के लिए स्क्वायरिंग ही करते हैं। यस बच्चों देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो हम क्लास 11th वाला फिर से पढ़ा रहे हैं। देखो चेन रूल, वाई स्क्वायर को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम dy से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y * dy / dx, यानी कि जिसको हम y1 लिखते हैं। जिन बच्चों को इस वाले में भी प्रॉब्लम हो तो वो फिर से देख लें, क्योंकि मैं काफी बार बता रहा हूं, मैं इसके बाद से नहीं बताऊंगा ये सारे स्टेप्स। ओके, तो ये हो गया, अब हो गया नेक्स्ट स्टेप y1 स्क्वायर, और क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, अब क्वेश्चन खत्म, जो प्रूफ करना था तो पहले ही हो गया। इस पूरी इक्वेशन से 2y1 कॉमन लेके उड़ा दो, 2y1 पूरी इक्वेशन से कॉमन लेके हटा दो, हटाओ तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स वाई वन प्लस का वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, ठीक है समझ गए, क्वेश्चन फिनिश। अब सारे टर्म एक तरफ ले आओ, एक तरफ लाके उनको जीरो कर दो, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, आंसर आंसर क्या, हेंस प्रूफ हो गया, क्वेश्चन इज फिनिश। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, क्वेश्चन फिनिश हो गया है, चलो पूछ लेते हैं। हाँ भाई, अरे अमन अमन दो लोग हैं, चलो ठीक है। किसको समझ में नहीं आया, अशप्रीत को नहीं आया, अश्वीत ने कैमरा ही बंद कर दिया, आ गया। ओके, और कौन है, केतन समझ में आ गया, प्रज्ञा समझ में आया, पीयूषी समझ में आया, पीयूषी तुमको समझ में आया, पीयूषी यस सर। ओके, तो समझ में आया तो फिर बेटा आओ हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है सबसे पहले, स्टार्ट तो करते ही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट निकाल लूं थोड़ा सा कहीं से भी, तो आप लोग सभी लोग रेडी हो जाइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप अभी भी हमसे पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, वेरी इजी, बहुत अभी इजी दे रहा हूं मैं।
क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ध्यान से देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन शो दैट, देन शो दैट, आपको शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है बच्चों, करोगे? करो. किसका हो गया? कोई बच्चा कह रहा हो गया. अच्छा नहीं, कुछ और मैसेज है. हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन के नीचे, एक क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, करना स्टार्ट करो. एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूँ हैशटैग लगा के, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है तभी दे रहा हूं. y इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये गिवन है. ठीक है, देन शो दैट या प्रूव दैट, कुछ भी लिख लो. शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसके पहले वाला क्वेश्चन तो मैंने काफी इजी दिया है, तो जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, वो उसको भी ट्राई करेंगे. तो पीछे वाला क्वेश्चन देखो सर, वो हो गया सर, ऊपर हो गया. लो पीछे वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस कहाँ कहाँ मिलेंगे बता दें. आप कॉमेड का एग्जाम दोगे कर्नाटक वाला, उसमें भी मिलेगा. नारसिमुंजी का एग्जाम दोगे उसमें भी मिलेगा. बिटसेट का दोगे उसमें मिलेगा. वीआईटी का दोगे उसमें मिलेगा. एसआरएम का दोगे उसमें भी मिलेगा. ये पीछा नहीं छोड़ेंगे सारे क्वेश्चन. सर एक बार आगे वाला दिखा. चलो भाई मैं आगे पीछे कर रहा हूं. कितने लोगों का हो गया? देखो अर्पित के सारे क्वेश्चन हो गए. अर्पित दोनों हो गए तुम्हारे? अच्छा अच्छा करो. एक बच्चा रहता है ना तो पिछले वाले क्वेश्चन में दिखा दीजिए. हाँ एक बच्चा इसमें रहता था, एक तुषित करके, वो तुषित नहीं दिखता है, कहाँ गया? मतलब तो काफी टाइम से नहीं देखा मैंने. तुषित माहेश्वरी, वेयर इज, चलो नहीं दिख रहा है. तो श्री हरि जी आपसे क्वेश्चन हो गया? दोनों हो गए? सेकेंड वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर एक बार. सेकेंड वाला क्वेश्चन अब बच्चों मैं दोनों ही स्टार्ट कर रहा हूं करने के लिए. ठीक है, तो अब इससे ज्यादा टाइम नहीं, अब करना स्टार्ट करते हैं. रेडी स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर. तो सबसे पहले क्या लिखा है? वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. कहोगे सर इसमें कुछ है ही नहीं, हम लिखेंगे वाई वन. वाई वन होता है वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सर साइन इनवर्स एक्स का तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है. उसके बाद सर आपने खुद ही बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आना, इधर ले आए. और इसके बाद सर इसमें जो है स्क्वायरिंग बहुत सही, स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सर वाई को तो आप अपियर करा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स एक्स है ही नहीं. अगर इसमें dy by dx करने पर sin inverse x आ जाता तो हम उसको y लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो आया ही नहीं है. तो यहाँ पे तो यही स्टेप नजर आ रहा है कि इसको जल्दी से करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो बस. 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और उसके बाद जिसको डिफरेंशिएशन आती है करने उसके लिए क्वेश्चन तो ये जिंगा लाला. तो y1 square d by dx, so 1 minus x square plus 1 minus x square d by dx of y1 square is equal to d by dx of 1.
देखो भैया आप लोग को प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, चेक कर लो। y1 स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का हो गया माइनस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। y1 स्क्वायर का आप क्या लिखेंगे, y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2 और 1 का हो गया 0। और जैसा कि आप हर बार करते हैं 2y1 को पूरी इक्वेशन से कॉमन लेके आप हटा देंगे और जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ होकर के आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन इज फिनिश, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ठीक है प्रज्ञा, ठीक है समझ में आ गया? यस सर। ओके तो बच्चों अगले क्वेश्चन की आशीर्वाद करते हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पता है बस बच्चों को क्या डर लगता है, कहते हैं सर ये आपने कैसा डिफरेंशिएशन दिया है, ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता। तो हमने कहा भैया हमने तो क्लास 11th में से पढ़ा रहे हैं, हम आपको चेन रूल ही से करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन log x का 1 / x होता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? कहोगे सर इसका करने के लिए हम पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, और सर आपने बताया तो है लेकिन सर तो भी बहुत बड़ा लगता है इसको करने में। तो हमने कहा इससे बड़ा वाला इसके आगे वाला है, फिर वहां क्या करोगे? चलो log u का क्या होगा, log u का होगा 1/u। और अगर चेन रूल नहीं आता है तो भैया फिर धीरे धीरे स्टेप्स लिखने की आदत डालो, धीरे धीरे किया करो। ये देखो हम धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पे कर रहे हैं। y is equal to 1/x plus under root of x square plus a square। ठीक है तो ये क्या हो गया, ये हो गया x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। और ध्यान से देखो बच्चों ये रूट यू है, क्या है रूट यू, रूट यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √u। हाँ जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, वैसे रूट यू का क्या होगा 1/2 √u। और जिसको u माना था उसका फिर से कर दो तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, a कांस्टेंट है उसका 0 हो जाए। कहाँ बड़ा था, कहाँ बड़ा है, छोटा तो है, बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए करो और चेन रूल आपको प्रॉपर आता हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ चेन रूल नहीं आता है तो भैया क्लास 11th का लेक्चर देखो, या मैंने क्लास 12th में जो आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको चेन रूल चिल्ला चिल्ला के बताया है, फिर दूसरे टर्न पे क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए। अब नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। चलिए यहां तक तो कर ले गए। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत अच्छी बात देखने को ये मिल रही है कि सर ये वाला जो ब्रैकेट है ये पूरा पूरा ब्रैकेट क्या होता है, कैंसिल हो जो जाता है। सबसे अच्छी बात तो उसमें ये होती है। और ये क्वेश्चन अब ऐसा दिखाई दे रहा है, कहोगे सर ये तो हम कर ही लेंगे, ऊपर देखने में टफ लग रहा था, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन धीरे 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 होता जाएगा। अब इसमें स्क्वायरिंग कर लो, वही सारे फिर से स्टेप रिपीट हो जाएंगे। ठीक है चलिए लगा दिए टिक टिक, स्टार्ट करें। y1 स्क्वायर d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ y1 स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, y1 स्क्वायर x स्क्वायर का हो गया 2x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। y1 स्क्वायर का तो यार अब तक रट गया होगा, क्यों भाई पीयूषी तुमको रट गया ना y1 स्क्वायर का, क्या लिखे y1 स्क्वायर का 2y1 / 2। पीयूषी ने तुरंत जवाब दिया 2y1 / y2। ये है बच्चा जो बैठा है, इसको कहते हैं अटेंशन। ये देखो 2y1 xy1 प्लस x2y1 उड़ा तो हर बार आपको ये दिखेगा कॉमन ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन बच्चों आपका फिनिश हो गया, जो आपको प्रूफ करना था वो आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से किया है। और बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आपके पेपर का पैटर्न जो है वो आपको डिफिकल्ट महसूस हो सकता है बोर्ड के अकॉर्डिंग,
क्योंकि वो पूरा आप ऐसे समझोगे कि जैसे जेई मेंस का पेपर दिया गया, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न होगा उसमें। ये सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव में, यानी इतना सा दे दिया जाएगा और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। चार ऑप्शन, 0, 1, 2, 3, समझ गए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिल सकते थे, अब तो स्टेप मार्किंग जा चुकी है, अब आपका सही है तो नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। सर कॉमन वाला पार्ट एक बार दिखा दीजिए कैसे लिया है। 2y1 पूरी इक्वेशन में कॉमन लेके हटा दो या डिवाइड कर दो, एक ही बात है। चलो देखो, तो जो पेपर का नया वाला पैटर्न है वो आपके ऊपर हल्का नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा, इसलिए बात समझने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन बहुत ध्यान पूर्वक देखा है तो वो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जल्दी निपटा देगा और उसको हम ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके चार जवाब बना देता हूँ, आप बताना क्या। नहीं अच्छा चलो कर देता हूँ, जस्ट वेट, लो क्वेश्चन करना जा रहा हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गूगल मत यूज करना, इफ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है तो गूगल पे या कहीं ना कहीं तो होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड पावर एम। ध्यान से देखो, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर एम दिया है, शो दैट। आपको शो दैट नहीं, 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 शो दैट थोड़ी नहीं, हमको एमसीक्यू बनाना है। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये क्या होगा। अब आपके पास चार आंसर है। पहला आंसर सुनो, पहला आंसर है एम क्यूब वाई, दूसरा आंसर है माइनस एम स्क्वायर वाई, तीसरा आंसर है क्या बनाए एम वाई, चौथा आंसर है, लो नन ऑफ दीज भी लिख दिया। ये देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब आप क्या करोगे, अब आपको मैंने जो स्ट्रेटेजी समझाई है ना इसके पहले क्वेश्चन में, वैसे ही आप धीरे धीरे अब करना चालू करो डिफरेंशिएशन, और आपके पास ये जो इक्वेशन लानी है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगी पूरी की पूरी, और उससे समझ जाना कि वहां पर क्या आएगा, ऑटोमेटिक ये पूरी इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी अगर आप सही ढंग से डिफरेंशिएशन करते हो तो। बेटा ऐसे बड़े बड़े डिफरेंशिएशन के फंक्शंस आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में भी मिलेंगे, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं आती है तो आप तो सीखना चालू कर दो। कैलकुलस का तो वेटेज आपने देख लिया ना कितना ज्यादा है, तो ये कैलकुलस है। हाँ तो सिद्धांत क्या आंसर होगा इसका, सिद्धांत ABCD ओके। सिद्धांत कह रहा अभी दो मिनट रुकिए सर, ठीक है मैं रुकता हूं बिल्कुल, मेरे पूछने से चले ना जाना तुम्हारा ही नुकसान होगा, करके जाना क्योंकि मैं किसी के घर पे तो आऊंगा नहीं, सिर्फ पूछ ही रहा हूं। लो देखो 42 से फिर 41 हो गए, करके जाओ ऐसे मत चले जाओ। ओके, इस बच्ची से तो कभी मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पहली बार देखा इसको। कौशिकी तुमसे हो गया बेटा, हो रहा है कौशिकी,
ओके कौशिकी लगता है क्लास में ही नहीं yes, है sir. हो रहा है अच्छा अच्छा ठीक है ओके क्या बात है 42 से 38 38 से वापस 41 क्या बात है चलो बच्चों तो किसी का आंसर नहीं आ रहा सर किसी ना किसी का हाँ सर माइनस एम वाई सर बी आएगा सर बी वाला बी आंसर आ रहा प्लस का आ रहा है सर तो प्लस का आ रहा है यस सर प्लस हाँ तो ऑप्शन बताओ ना क्या दो ना नन ऑफ दीज ये नन ऑफ दीज तो नन ऑफ दीज नहीं थी यस सर तीन चार बच्चों का आंसर निकल के आया ठीक है ठीक है ठीक है तो देखो आप लोग ने करना सीख लिया और आपने तुरंत पता लगा लिया कि सर वहां पर ये चीज होनी चाहिए ओके तो आप सोच सकते हैं कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप यहां से प्रैक्टिस करके नहीं गए तो आपको एग्जाम में कितने डिफिकल्ट लगने वाले हैं सब इसलिए कोशिश करो कि कोरोना चला जाए वरना आपके पेपर के पैटर्न उल्टा डिफिकल्ट हो रहे हैं ओके y is equal to x plus square root of x square plus 1 whole power m इसको करना है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले y का हो गया y1 चलो इधर देखो कौशिकी इधर देखो बेटा ये क्या है ये है तुम्हारा u u की पावर m का क्या हुआ m सर m m u m minus 1 ठीक है ये लिख दिया ठीक और जिसको u माना था उसका फिर से कर लेते हैं जिसको u माना था उसका हम फिर से कर लेते और ऐसा ही मिलता जुलता फंक्शन अभी log में भी था log के अंदर ऐसा ही कुछ था बस x square plus a square तो ये हो गया y1 is equal to m ब्रैकेट में है x plus under root of x square plus 1 whole power m minus x का हो गया 1 root u का डिफरेंशिएशन हो गया 1 upon 2 root u और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे यानी कि 2x तो बेटा ये हो गया y1 is equal to m x plus square root of x square plus 1 हालांकि मैं तो कॉमा लेके लिख देता हूँ लेकिन अभी फुल क्लास चल रही है इसलिए पूरे पूरे स्टेप्स लिख रहा हूँ ओके तो बच्चों इसको जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा x square plus 1 plus x whole divided by x square plus 1 ये ऐसा ओके भार्गवी कैमरा बेटा अपना चालू करो ओके तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी ये देखो ये जो बेस है ये दोनों का सेम है जो ये है वही है बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है एड 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 तो ये हो गया एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर एम माइनस वन प्लस वन तो ये बचा एम और डिनोमिनेटर में क्या आया x square plus 1 ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा y1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x square plus 1 से is equal to m और बच्चों ये जो पूरी जो एक्सप्रेशन है ये पूरी एक्सप्रेशन क्या है ये देखो y ये ध्यान देना होता है कि अगर y अपीयर हो रहा हो तो उस y को अपीयर करा लो अगर आप अपीयर नहीं कराया तो आपके सामने समस्या खड़ी होगी चलिए अब बच्चों कुछ नहीं क्वेश्चन इज फिनिश अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए क्योंकि स्क्वायर रूट है जल्दी करने के लिए स्क्वायरिंग कर लीजिए और क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट करने पे ही खत्म हो जाएगा ठीक है यशप्रिय क्लास की स्टार्टिंग से ही वेटिंग रूम में है और अभी भी वेटिंग रूम में ही है क्या बात है पूरी क्लास वेटिंग रूम में निकाल दी ओके चलो बच्चों लगा लो उस पर प्रोडक्ट रूल y1 square d by dx of x square plus 1 x square plus 1 into d by dx of y1 square ये हो गया m square d by dx of y square ठीक है y1 square ये हो गया 2x plus x square plus 1 देखो पीयूषी y1 square का हो गया 2y1 y1 का हो गया y2 ठीक है देखो कौशिकी y स्क्वायर का हो गया 2y और y का हो गया y1 अब तो ये स्टेप लर्न हो गए होंगे तो 2y1 हटा दिया 2y1 आपको हमेशा दिखेगा कि दोनों तरफ कॉमन आ सकता है ओके तो ये बचा xy1 प्लस
x square plus 1, y2 is equal to m square y. तो सर अगर आपने ऑप्शन में m square y दिया होता तो उसको हम टिक कर देते, लेकिन किसी ऑप्शन में m square y तो दिया ही नहीं आपने, तो उसका आंसर हो जाएगा none of these. लेकिन काफी सारे बच्चों ने पकड़ लिया था, तो इसका मतलब आप कर तो रहे हो, सीख रहे हो. तो देख लो कोई स्टेप वगैरह. मैं इसको अभी दोबारा लगा देता हूं, जस्ट एक मिनट का वेट कर लो, एक क्वेश्चन जरा ऊपर डाल दो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है. ये क्वेश्चन जस्ट मैं लगा देता हूं यहाँ पे. ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है. जिनको नोट करना है नोट भी करें, और जिनको करना है ये क्वेश्चन भी करें, और जिनको पानी पीना है वो पानी भी पी सकते हैं. क्वेश्चन बच्चों ये जो है एनसीईआरटी की मिसलेनियस का है, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज एनसीईआरटी मिसलेनियस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस. और बच्चों जो भी आपका नेक्स्ट टर्न पड़ेगा उसमें मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दूंगा, और कंटिन्यूटी का अगर फर्स्ट क्लास किसी बच्चे ने मिस कर दिया तो उसको सेकंड क्लास से नहीं कंटिन्यूटी समझ में आएगी, नहीं उसको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगी. कंटिन्यूटी याद रखिए हो गई क्या कंटिन्यूटी सर ने चालू करा. अच्छा चालू करा दी है. यस सर. यस सर. तब तो बहुत बढ़िया है, फिर तो बढ़िया है, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वो करा देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो हम टेंजेंट नॉर्मल पकड़ लेंगे फिर. ओके बच्चों बाय द वे अभी की क्लास की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इसको मैं करने जा रहा हूं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 फिर से स्क्रीन पे चिपका दे रहा हूं. ये हो गया. हाँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है कहोगे सर. ये क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कॉस, जस्ट वेट, cos y is equal to x times cos a plus y. देखो बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ दो दिए हैं और दो में से कोई एक जरूर आता रहता है, तो पहले आप समझ लो पैटर्न कैसे करते हो. जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन की एक वैरायटी है, वो एग्जाम में आएगा तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये वही वाले क्वेश्चन है, ठीक है. ये क्वेश्चन वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना y1 लिखा है ना y2 लिखा है, कोई मतलब इस टाइप से कुछ लिखा नहीं. तो बच्चों सबसे पहले हर बच्चा कोशिश करता है कि y as a function of x लिख लो और उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लो. लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि तुम यहाँ से y को सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि cos का जब फॉर्मूला लगाओगे cos a cos b माइनस sin a sin b तो तुमसे y निकलेगा ही नहीं यहाँ पे. dx/dy करके रेसिप्रोकल कर. हाँ फिर कुछ नहीं करना है, उल्टा सोचने लगो तुम. x तुमको ऐसे लग रहा है y नहीं निकल रहा, लेकिन x तो बना बनाया बैठा है. बस x को निकाल लो और थोड़ी बहुत अपनी ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करो, आपको जो प्रूफ करना है वो तुरंत आ जाएगा एक झटके. बस अगेन वही कंसेप्ट है कि डिफरेंशिएशन आनी चाहिए. डिफरेंशिएशन नहीं आती तो फिर तो भैया इसमें तो सीताराम करो. ओके dx/dy इज इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन d/dx ऑफ ऊपर वाला फंक्शन. ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल है, मेरे को लग रहा है अभी तक काफी बच्चों को नहीं पता होगा. फिर से तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, नीचे वाला फंक्शन d/dy, देखो उसमें गलती है, आप जरूर लिख लीजिएगा कि आप डिफरेंशिएट बोथ साइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y. तो ये हो गया dx/dy, इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं. डिफरेंशिएट बोथ साइड dx से क्यों नहीं किया रिस्पेक्ट टू y. क्या सर dx से क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया हम लोगों x के रिस्पेक्ट में?
एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा करके देखो एक बार, कॉपी में करो तो, कॉपी में करो और फिर अपनी रिक्वायरमेंट चेक करो, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो आ रही है कि नहीं निकल के आ रही है, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट अगर आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है तो फिर मेरे साथ चलो। तो नीचे वाला फंक्शन डी बाय डी वाई ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन डी बाय डी वाई ऑफ नीचे वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्वोशेंट रूल या डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया बच्चों कॉस ए प्लस वाई, इधर ध्यान दो कॉस वाई का क्या हो गया, कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई। अब गलती से भी इंटू डी वाई बाई डी एक्स मत लिख देना, क्योंकि आप कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, लेकिन कॉस वाई का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो क्या लिखते, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सुन रहे हो मेरी बात? हो यस सर। तो कॉस यू का हो गया, कॉस यू का हो गया माइनस का साइन यू बस, और जिसको यू मानता उसका फिर से करेंगे तो ए का जीरो हो जाएगा, वाई का वन हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाता। तो बच्चों अब आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, वही वाली जब आप छोटे थे तब वाली, कैसे लगाओगे, कहोगे सर ये देखिए लिखा है साइन ए माइनस कॉस बी, यस माइनस कॉस ए साइन बी। सर हो जा रहा है उससे भी, हो जा रहा है तो अच्छी बात है। ओके तो बच्चों यहां पर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए, क्या है साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी। बच्चों अब तो क्वेश्चन फिनिश हो गया, वाई से वाई कैंसिल, तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। और बच्चों जैसा कि आपने बताया था कि इसको ऊपर नीचे कर दें तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस टू, हेंस टू। ठीक है, यस बेटा बताइए। सर उससे भी हो जा रहा है तो आपने y क्यों यूज किया, उससे हो जा रहा है तो हमको एक बार सॉल्यूशन भेजना, हम देखते हैं क्लास के बाद चेक करके। ओके बच्चों तो हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप आगे के लिए रेडी हैं आप लोग? यस सर। तो सभी बच्चों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी मिसलेनियस का है क्या? हाँ मिसलेनियस है, ये देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5। ओके तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को भी करने के हो सकता है आप अलग अलग मेथड से करो, लेकिन आपको जो फाइनली लाना है वो आपके सामने है, वो लाने की कोशिश करिए। ओके तो स्टार्ट किया करना। ओके बच्चों कर लिया, एक सेकंड। इसके साथ बच्चों एक और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, वो भी चिपका देता हूं।
कहाँ गया भाई? सर आपको भेज दिया है। ओके तो बच्चों आपके पास एक और क्वेश्चन भी है, ये भी क्वेश्चन आपको करना है, दो क्वेश्चन आपके पास है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 14, मिसलेनियस चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। बालक आपने जो भेजा है, क्लास ओवर होने वाली है, हम फिर देखते हैं आराम से, फिर आपको बताते हैं। ओके तो यहाँ पर एक्स देखो बच्चों, यहाँ पर करने का है, क्वेश्चन करने की ट्रिक है, हो सकता है आप किसी और तरीके से भी कर लो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार फॉलो कर लो तो आपका जल्दी हो सकता है। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, ऐसे एग्जाम में आपके पास होंगे, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं किए जाते हैं आईआईटी वगैरह की तरह, बोर्ड के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, या तो एनसीईआरटी एग्जामिनर से होते हैं या एनसीईआरटी से आ जाते हैं। चलिए देखिए, तो बच्चों आपने इस तरह से लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करिए, ठीक है, फिर से रीअरेंज करिए सही से। इसको लिख लीजिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे बच्चों क्या आएगा, यहां आएगा x माइनस वाई इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बच्चों दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन x और y अलग अलग नंबर है, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उससे x इक्वल टू y आ जाएगा, लेकिन x और y डिस्टिंक्ट है तो ये जीरो हो नहीं सकते, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, x प्लस y प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अपनी तरीके से करने पर टाइम ना वेस्ट करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी तरीके से करने में टाइम ना वेस्ट करो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अलग। इधर ध्यान दो, y 1 plus x is equal to 0, यहां से बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्या निकल के आई हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे, क्या निकली y की वैल्यू, माइनस x अपॉन 1 plus x, माइनस x अपॉन 1 plus x, यस यस यस, ओके ये निकली। अब बच्चों y as a function of x मेरे को निकालना था, सो मैंने यहां से निकाल लिया है, तो मेरा काम खत्म है, आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करिए, जो आपको आंसर निकालना है वो निकल के आ जाएगा, करके दिखाएं, देखिए डी वाई बाय, कर लोगे ना, कोई ऐसा बच्चा yes, जो नहीं कर पा रहा हो तो बताए, एक मिनट माइनस को भूल जाओ जरा, जो उसमें माइनस लगा है, पहले करो नॉर्मल, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। माइनस अभी लगाते हैं, बाद में लगा देंगे, माइनस लगाने से कंफ्यूजन हो जाता है। ये मैंने क्या लिख दिया, वन का जीरो और एक्स का कितना हुआ वन, तो एक्स का वन तो क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, तो ये देखो बच्चों माइनस अप्लाई कर दो, अब जो आपका माइनस था ये देखो प्रूफ हो गया, ठीक है ओके ठीक है। हाँ भाई बच्चों, ठीक है ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस टूट रहा है, बच्चे कह रहे सर मैंने आंसर को ही सर डी वाई बाई डी एक्स से करने लग गए थे, माइनस एक्स को वन बाय एक्स इसी को सॉल्व किया। हाँ हाँ करो, आ जाएगा ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप बाद में देख लीजिएगा। आंसर क्या आया, आंसर बेटा वो देखो ना ये, अरे भाई ये क्वेश्चन प्रूफ दैट के लिए,
पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो। क्या नहीं आ रहा है तो मेरा वाई के टर्म्स में आ रहा है। पता नहीं बेटा तुम क्या कर रहे हो, हमने तो पूरा क्वेश्चन फिनिश कर दिया, कौन सा स्टेप पे प्रॉब्लम है? सर मेरा वो वाई के टर्म्स में आ रहा है। जब वाई एज ए टर्म्स ऑफ एक्स है तो फिर आप इसमें वाई आएगा ही नहीं, आपने कुछ और कर दिया होगा, इसलिए कह रहे थे मेरी तरफ ध्यान दो। तो मैंने x के टर्म्स में y निकाला था, x के टर्म्स में y निकाला था, मतलब इधर था y के टर्म्स में x निकाला था। अरे बेटा जो प्रूफ करना है उस पे ध्यान दो ना, जो प्रूविंग करनी है उस प्रूविंग में x का फंक्शन है कि y का फंक्शन है, x ठीक है। प्रूफ करना है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ ध्यान देंगे, जो प्रूफ करना है हम उसकी रिक्वायरमेंट पे ध्यान देंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब भाई हम डिफरेंशिएशन कैसे करना सिखाएं, डिफरेंशिएशन के सारे स्टेप्स तो लिख दिए भाई, अब कौन सा स्टेप लिख दिया? माइनस प्लस की गलती हो गई। देखिए अच्छा किसी और से भी पूछ लेते हैं। पीयूषी तुम्हारा निकल के आया ये आंसर कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ओके बच्चों, जिनका हो गया वो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। और अगला क्वेश्चन आपके पास है 17th नंबर क्वेश्चन, आप उसको आराम से देख सकते हैं। और इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको अभी भी डाउट है तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है, आप अपने एडमिन से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं और आराम से दोबारा फिर से देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। किसी भी रिकॉर्डिंग को देखने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको रिकॉर्डिंग एक ही बार में पूरी देखनी है, आप थोड़ा थोड़ा देख के स्किप करके देखा करो, 10 मिनट देखा फिर छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ नहीं देख सकते हो, पहले आप 10 मिनट देखो, 10 मिनट देख करके बंद कर दो, फिर जब खाली हो फिर 10 मिनट देखो। जब सवेरे उठते हो तो सवेरे उठने पर हर बच्चे के पास सबसे पहले मोबाइल उठाता है, मोबाइल उठाने पर सबसे पहले यूट्यूब चल करके जो भी आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है पहले उसको देखो। तो सवेरे अगर आप 10 मिनट भी अपना रिकॉर्डेड लेक्चर कोई भी देखते हो जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो वो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा, ये तरीका होता है। बाकी आप लोग की आदत पड़ गई है कि गेम खेल लेते हो सवेरे भी उठ करके, अब तो पता नहीं कितने तरह के गेम बन चुके हैं, तो हमको तो गेम ही नहीं समझ में आते क्योंकि हम लोग के टाइम में तो इतने कभी गेम हुआ ही नहीं करते थे। हम लोग के टाइम में तो वही मारियो वगैरह होता था, हम लोग के टीवी में हम लोग के जुड़ा रहता था और हम लोग उससे खेलते थे हाथ से क्या बटन दबा दबा के। अब तो इतनी वैरायटी है गेम्स की तो हम तो समझ ही नहीं पाते। ओके बच्चों तो ये क्वेश्चन तो आपने अब तक कर दिया होगा बातों बातों में, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए थक चुका हूं लेकिन तो भी मैं आपको करके देता हूं। अब ये मेरे स्टेप्स ही देख लो, हो सकता है आप कुछ गलत कर दो तो कृपया करके आप हमारे स्टेप देखो। तो dx by dt is equal to a cos t का हो गया माइनस साइन t, और बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये t साइन t का हो गया cos t, अब हम साइन t का नहीं करेंगे और t का करेंगे तो 1 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज वो हमारे साथ ही काम करे, अपना मत करे, हमारे साथ सारे स्टेप फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा ठीक है। तो देखो बच्चों ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और आपका dx by dt काफी छोटा सा बन करके आया, dx by dt काफी छोटा सा बन गया sec square t cos t, yes yes yes। उसके बाद y is equal to है a sin t minus a t cos t, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करिए, dy by dt is equal to a sin t का हो गया cos t, माइनस जहां आता है सावधान हुआ जाए करिए, ब्रैकेट लगा लिया करिए। चलिए कॉस टी का करते हैं तो माइनस साइन टी, टी का नहीं करते हैं। अब कॉस टी का नहीं करेंगे, टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी माइनस ए कॉस टी। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं ये वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो चुके हैं
और आपका यहां से फाइनली डी वाई बाई डी टी निकल करके आ गया है, कितना आया, यह आया ए टी साइन टी। तो बच्चों आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स इज डिफाइंड एज डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। मैंने सारे स्टेप लिख रहा हूं, मैं कोई भी मिस नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ ही देखो, वरना लास्ट में ये नहीं कहना कि सर आंसर नहीं मैच कर रहा, आप कैसे कर ले रहे हैं। ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, ये हो गया टैन टी, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने ये स्टेप आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना हो तो इस स्टेप में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो टेन टी है। क्या है, टेन टी है, हाँ अभी अभी लिख देते हैं, जस्ट वेट। असल में समझा तो ना ज्यादा रहे कि मेरा दिमाग ही अब खत्म होने वाला है। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी, ये देखो बच्चों मैंने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाला स्टेप लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर हमको dy by dx को डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तभी वो d2y by dx square बनेगा, लेकिन अगर हम tan t को करना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमें t से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तभी वो हो पाएगा। यानी आपका आंसर आपके पास निकल के आ गया है, tan t का हो गया sec square t, और आपके पास dt by dx चाहिए, आप dx by dt निकाल चुके हैं तो dt by dx होगा 1 upon at cos t, 1 upon at cos t। और बच्चों जब आप अपनी NCERT या कोई बुक फॉलो कर रहे होंगे उसमें आप आंसर देखेंगे तो उसमें यही आ रहा 1 upon at sec cube t, दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू, क्लासेस ओवर नाउ। हाँ हाँ अभी देखते हैं यार, उसमें भी उसमें होस्ट बनाया हुआ है, हम कैसे देखें अभी, बाद में देख के फिर बताते हैं। अगर वो आपका सही है तो फिर सही है, उसमें क्या दिक्कत है, आप हमारा वाला तरीका भी कर सकते हो। हाँ okay, हमारा वाला भी फॉलो कर सकते हो, अपना वाला भी फॉलो कर सकते हो। ओके सर, आंसर आना चाहिए बस और क्या। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चों, तो मैंने आपको सीबीएसई की रिवाइज गाइडलाइंस भी बता दी है और आज की क्लास वाली फाइल शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ मैंने शेयर तो कर दी है यार अपने ग्रुप में, तुम